हेलो फ्रेंड्स, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम डीसी मशीन के क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे। पिछली क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 30 तक देखा था, तो आज क्वेश्चन नंबर 31 से स्टार्ट करेंगे। ओके, लेकिन क्लास को स्टार्ट करने से पहले यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाएँ सो दैट आपको नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ओके फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 31, ये कहता है कि डीसी मोटर्स शुड बी स्टॉप्ड बाय ओपनिंग द लाइन स्विचेस एंड नॉट बाय फोर्सिंग द स्टार्टर हैंडल बैक टू द ऑफ पोजीशन बिकॉज विच ऑफ द फॉलोइंग। ओके, जैसा कि आपको पता होगा, डीसी मोटर को जब हम सप्लाई से कनेक्ट करते हैं तो सप्लाई और डीसी मोटर के बीच में एक होता है स्टार्टर। डीसी मोटर को डायरेक्टली सप्लाई से हम कनेक्ट नहीं करते हैं क्योंकि ड्यूरिंग स्टार्टिंग डीसी मोटर में स्पीड होती है जीरो और इसलिए इसका बैक ईएमएफ भी होता है जीरो एंड सो स्टार्टिंग करंट इज वेरी वेरी हाई। इसी स्टार्टिंग करंट को कम करने के लिए हम स्टार्टर यूज करते हैं इन केस ऑफ डीसी मोटर। यहाँ देखिए, यहाँ से ऊपर वाला पोर्शन दिस इज 3 पॉइंट स्टार्टर। ओके, दिस इज नॉट अ प्रॉपर डायग्राम, इसके बीच में और भी बहुत सारी चीजें यूज होती हैं जो कि मैं यहाँ पे शो नहीं किया हूँ। तो दिस इज सप्लाई टर्मिनल और दिस इज एक्सटर्नल रेसिस्टेंस। चूँकि हम जानते हैं कि ड्यूरिंग स्टार्टिंग डीसी मोटर में करंट की वैल्यू बहुत ही हाई होती है और उस करंट को कम करने की ज़रूरत होती है, मीन्स वी नीड टू रिड्यूस दिस स्टार्टिंग करंट ऑफ डीसी मोटर, सो वी शुड ऐड सम एक्सटर्नल रेसिस्टेंस एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग। ओके, यहाँ पर मैंने दो स्टड बनाए हैं, एक स्टड वन एंड दिस इज सेकेंड स्टड। ये है स्टार्टर का हैंडल एंड दिस इज होल्ड कॉइल। अभी हमारा डीसी मोटर ऑफ पोजीशन में है, दिस इज ऑफ पोजीशन एंड दिस इज ऑन पोजीशन। जब हम इस डीसी मोटर को स्टार्ट करने के लिए सप्लाई टर्मिनल को ऑन करेंगे और इस हैंडल को स्टड वन पे ले जाएंगे तो उस टाइम पे क्या होगा, दिस एक्सटर्नल रेसिस्टेंस जो कि बहुत ही हाई होता है, ये सीरीज में कनेक्टेड है आर्मेचर वाइंडिंग के साथ, इसलिए ड्यू टू हाई रेसिस्टेंस ड्यूरिंग स्टार्टिंग स्टार्टिंग करंट विल बी लो और मोटर हमारा सेफली वर्क करने लगेगा, स्टार्ट हो जाएगा। धीरे धीरे रोटर की स्पीड बढ़ेगी और नियर अबाउट फुल लोड स्पीड जब पहुंच जाएगी तब हम क्या करते हैं कि इस हैंडल को धीरे धीरे 0.1 से 0.2 की तरफ लाते हैं। इसका मतलब है कि ये एक्सटर्नल रेसिस्टेंस अब धीरे धीरे कट होने लगेगा और जब फाइनली ये हैंडल इसके साथ कनेक्टेड होगा, यानी कि 0.2 के साथ कनेक्ट होगा, उस टाइम पे एक्सटर्नल रेसिस्टेंस पूरी तरीके से कट हो चुका है और उस टाइम ओवरऑल रेसिस्टेंस जो होगा दैट इज ओनली आर्मेचर रेसिस्टेंस। नाउ ड्यूरिंग रनिंग कंडीशन इस क्वाइल में करंट फ्लो करेगा जो कि फील्ड वाइंडिंग से होके गुजरेगा, तो इस करंट की वजह से यह होल्ड क्वाइल एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा और यह इस हैंडल को अपनी तरफ खींच कर रखेगा, यानी कि हैंडल अब यहाँ पर कनेक्टेड होगा। ओके, इतना करने के बाद अब हमारा डीसी मोटर रन कर रहा है। देखते हैं अब इस क्वेश्चन में जो कहा है, इसने दो सिचुएशन दिए हैं। फर्स्ट सिचुएशन ये कहता है कि अब हम इस लाइन को ओपन करते हैं, यानी कि सप्लाई टर्मिनल को ऑफ करते हैं, तो देखते हैं कि इसमें क्या होगा। व्हेन सप्लाई टर्मिनल इज डिसकनेक्टेड देन नो करंट विल गो इनसाइड द मोटर। ओके, सो स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज स्टोर्ड इन द वाइंडिंग
जो कि यहाँ पे कुछ न कुछ एनर्जी स्टोर हुआ होगा ड्यूरिंग रनिंग कंडीशन, इस वाइंडिंग की जो भी स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी वो धीरे धीरे रिलीज हो जाएगा जब तक हैंडल ऑन पोजीशन से ऑफ पोजीशन तक आता है, क्योंकि आपने क्या किया है, आपने इस सप्लाई को डिस्कनेक्ट किया है। और आप जैसे ही इस सप्लाई को डिस्कनेक्ट करोगे तो यहाँ से इनपुट करंट बंद हो जाता है, और इसमें जब करंट फ्लो करना बंद कर देगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट अब डीमैग्नेटाइज हो जाएगा, यानी कि अब यह हैंडल को खींच कर नहीं रख पाएगा। चूंकि हैंडल में स्प्रिंग लगा होता है तो यह अब ऑफ पोजीशन में चला जाएगा। ओके, तो जितने टाइम में यह ऑन से ऑफ पोजीशन में जाता है उतने ही टाइम में इसमें थोड़ी बहुत जो एनर्जी स्टोर होती है वह रेसिस्टेंस के द्वारा डिसिपेट हो जाती है और बहुत ही इजीली यह मोटर बंद हो जाएगा। तो इन दिस केस देयर विल बी नो स्पार्किंग एट स्टड 1 और स्टड 2 और एट कम्यूटेटर और एट ब्रशेस, कहीं भी किसी भी तरह की स्पार्किंग नहीं होगी। देखते हैं अब दूसरा सिचुएशन क्या है। इसमें कहता है कि आप सप्लाई टर्मिनल को डिस्कनेक्ट नहीं करो, ये सप्लाई टर्मिनल ऑन ही है, यानी कि हमारे मोटर में इनपुट जा रहा है। और कहता है कि ये जो हैंडल है, हैंडल को आप फोर्सफुली ऑन पोजीशन से ऑफ पोजीशन तक लाओ, फिर देखो कि क्या होता है। पहली बात यहाँ से ये क्लियर हुआ कि जब हम ऑन पोजीशन से ऑफ पोजीशन पे लाएंगे तो जाहिर सी बात है इतना रेसिस्टेंस जो आर एक्सटर्नल था, जो कि स्टार्टिंग के टाइम पे ऐड होता था इन आर्मेचर वाइंडिंग रेसिस्टेंस, वो अभी भी ऐड हो जाएगा क्योंकि हमने हैंडल को स्टड 2 से स्टड 1 पे लाया, तो इतना रेसिस्टेंस उसमें ऐड हो जाएगा। और जब रेसिस्टेंस ऐड होगा तो आर्मेचर करंट की वैल्यू होगी कम, और जब आर्मेचर करंट की वैल्यू कम होगी तो ब्रश पे या फिर कम्यूटेटर पे स्पार्किंग नहीं होगी। अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं कि जब स्टार्टर हैंडल को हमने फोर्सफुली 1 तक तो ले आया, अब इसको ऑफ करने के लिए 1 से भी दूर लाना पड़ेगा, यानी कि ऑफ पोजीशन पे लाना पड़ेगा, और इसमें करंट तो फ्लो कर रहा है बिकॉज सप्लाई इज ऑन। अब यहाँ पे करंट भी फ्लो कर रहा है और हम फोर्सफुली हैंडल को स्टड 1 से ऑफ पोजीशन पे लाते हैं, इन दिस केस स्टड 1 और हैंडल के बीच में होगा स्पार्किंग। तो देखते हैं फिर इसके ऑप्शंस को। ए में कहता है कि हैवी स्पार्किंग अकर्स एट द ब्रशेस, और दूसरा ऑप्शन कहता है कि हैवी स्पार्किंग अकर्स एट द फर्स्ट स्टड ऑफ स्टार्टिंग रेसिस्टेंस स्टेप्स। तो इसमें से कौन सा सही है? ओनली बी इज करेक्ट, सिर्फ यहीं पे स्पार्किंग होता है। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। ये कहता है कि इन डीसी मोटर स्टार्टर्स आर यूज्ड, पॉइंट ए कहता है टू इंक्रीज द स्टार्टिंग टॉर्क, पॉइंट बी कहता है टू लिमिट द स्टार्टिंग करंट। तो अब बताइए कि कौन सा सही होगा। अभी अभी हमने देखा कि स्टार्टर हम यूज करते हैं स्टार्टिंग करंट को कम करने के लिए, लेकिन एक और मशीन हम देखेंगे बाद में जो कि है 3-phase इंडक्शन मोटर। इसके केस में भी हम 3-4 तरीके के स्टार्टिंग मेथड देखते हैं। उसका पर्पस होता है स्टार्टिंग करंट को तो कम करना ही है और साथ ही स्टार्टिंग टॉर्क को बढ़ाना है। तो स्टार्टिंग करंट को कम करना और स्टार्टिंग टॉर्क को बढ़ाना, ये दोनों पर्पस होता है स्टार्टिंग मेथड का, और कहाँ पे? 3-phase इंडक्शन मोटर में। बट यहाँ पर डीसी मोटर के स्टार्टर की बात की गई है, यहाँ पर सिर्फ स्टार्टिंग करंट को हम कम करने के लिए स्टार्टर यूज करते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट, यानी कि ओनली बी। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, ये कहता है कि द ब्रेक टेस्ट फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ एफिशिएंसी ऑफ अ डीसी मशीन इज विच ऑफ द फॉलोइंग। ये ब्रेक टेस्ट है BRAKE। ओके, डीसी मशीन चाहे वो जनरेटर हो या मोटर हो, दोनों की एफिशिएंसी को फाइंड आउट करने के लिए
इस तरह का हम टेस्ट करते हैं। तो ये क्वेश्चन में पूछा है कि ये जो टेस्ट है ये इनमें से किन से रिलेटेड है। तो हम क्या करते हैं, इन सारे ऑप्शंस को ही बारी बारी से देख लेते हैं। फर्स्ट वन इज इनडायरेक्ट मेथड। दिस इसके अंदर आता है एक स्विनबर्न टेस्ट। इनडायरेक्ट मेथड में स्विनबर्न टेस्ट की हेल्प से हम नो लोड लॉसेस को फाइंड आउट कर लेते हैं, और जो मशीन का डाटा गिवन होता है उसकी हेल्प से हम एडिशनल लॉसेस को फाइंड आउट कर लेते हैं। जब हमें यहाँ लॉसेस मिल गया तो इसकी हेल्प से हम एफिशिएंसी फाइंड आउट कर लेते हैं। ओके, अब दूसरा मेथड देखते हैं, दैट इज रीजेनरेटिव मेथड। रीजेनरेटिव मेथड को हम हॉपकिंसन्स मेथड भी कहते हैं। इन दिस मेथड हम दो आइडेंटिकल डीसी शंट मशीन को इलेक्ट्रिकली एंड मैकेनिकली कपल्ड करते हैं, एंड वन मशीन इज मेड टू रन एज मोटर एंड सेकेंड वन एज जनरेटर। अब हम देखते हैं नेक्स्ट मेथड, विच इज डायरेक्ट मेथड। इस मेथड में एफिशिएंसी फाइंड आउट करने के लिए हमें मशीन को एक्चुअली लोडेड कंडीशन में रखते हैं, और किस तरह का लोड होता है, रेटेड लोड। इसी मेथड के अंदर आता है ब्रेक टेस्ट ऑफ डीसी मशीन। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही होगा, डायरेक्ट मेथड के अंदर था, यानी कि ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 34। ये कहता है कि कम्यूटेशन कंडीशंस एट फुल लोड फॉर अ लार्ज डीसी मशीन कैन बी चेक्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। इसका मतलब कि कम्यूटेशन कंडीशन को चेक करने के लिए हम कौन सा तरीका इसमें से अपनाते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि हॉपकिंसन टेस्ट। ये हमने अभी देखा है, इसका एक दूसरा नाम भी होता है रीजेनरेटिव टेस्ट या रीजेनरेटिव मेथड। इस टेस्ट को करने के लिए हम मशीन को रेटेड कंडीशन पे रखते हैं, और इस टेस्ट की हेल्प से हम कम्यूटेशन प्रोसेस और टेम्परेचर राइज इन द मशीन चेक करते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 35। ये कहता है कि इफ द करंट फ्लोज इन एन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन देन द पोलैरिटी ऑफ द नियरर पोल विल बी। यहाँ देखिए, यह किसी भी मशीन का एक पोल है, और इसमें जो करंट का डायरेक्शन है दैट इज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यहाँ देखिए, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑफ करंट। तो यहाँ पर किस तरह का पोल बनेगा, पोल विल बी नॉर्थ। यहाँ से फ्लक्स निकलेगा फाइ। इसको देखने के लिए आप कौन सा रूल लगाओगे थंब रूल। ओके, यदि करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज होता तो कौन सा पोल बनता यहाँ पे, साउथ पोल। बट फॉर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑफ करंट द पोल विल बी द नियरर पोल विल बी नॉर्थ पोल। ओके, सो 35 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, नॉर्थ पोल इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 36। ये कहता है कि द इलेक्ट्रोमैग्नेट इज मेड ऑफ। जो भी हम मशीन यूज करते हैं और वहाँ पे हमें इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाना होता है, तो हम किस तरीके के मटेरियल का उपयोग करते हैं। तो इसके लिए मैं मटेरियल की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात करूँगा। हम बात करते हैं अब फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के बारे में। तो एक होता है हार्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, और दूसरा होता है सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। हार्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इंक्लूड्स परमानेंट मैग्नेट मटेरियल। यानी कि जब हमें परमानेंट मैग्नेट बनाना होता है तो हम हार्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल यूज करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम निकेल एंड कोबाल्ट का एलॉय। सेकेंड वन इज क्रोमियम स्टील। जब आप मेजरमेंट सब्जेक्ट पढ़ोगे और वहाँ पे जब आपको पढ़ाया जाएगा PMMC परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट, तो वहाँ पर जो परमानेंट मैग्नेट यूज होता है उसका कौन सा मटेरियल होता है, दैट इज अल्निको, एल्यूमिनियम निकेल एंड कोबाल्ट का एलॉय होता है। अब हम देखते हैं सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल।
इसके अंदर आता है आयरन एंड इट्स अलॉय विथ निकेल कोबाल्ट एंड टंगस्टन, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो कि हम यूज़ करते हैं मशीन्स में वो है सिलिकॉन स्टील एंड कास्ट स्टील। इसमें सिलिकॉन स्टील को हम यूज़ करते हैं ट्रांसफार्मर में और कास्ट स्टील को हम यूज़ करते हैं डीसी मशीन में। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट इज मेड ऑफ स्टील कोर। ओके, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 37। ये कहता है कि अ शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर सप्लाइज अ लोड करंट ऑफ 100 एम्पीयर एट 250 वोल्ट। द जनरेटर हैज द फॉलोइंग वाइंडिंग रेसिस्टेंसेस, जैसे कि शंट फील्ड का 130 ओम एंड आर्मेचर रेसिस्टेंसेस 0.1 ओम, सीरीज फील्ड इज 0.1 ओम। तो क्वेश्चन में कहता है कि फाइंड द ईएमएफ जनरेटेड इफ द ब्रश ड्रॉप इज 1 वोल्ट पर ब्रश। यहाँ देखिए, दिस इज शॉर्ट शंट, यह एक जनरेटर है जो कि सप्लाई कर रहा है 250 वोल्ट पर। यहाँ पे आप लिखेंगे 250 वोल्ट सप्लाई और लोड करंट बोला है 100 एम्पीयर। लोड करंट यहाँ पर ही शो किया जाता है, दिस इज आई एल। यहाँ पर शो होगा आर्मेचर करंट आई ए, जिसके बारे में गिवेन नहीं है। दिस इज सीरीज फील्ड वाइंडिंग, जिसका रेसिस्टेंस दिया हुआ है 0.1 ओम। दिस इज शंट फील्ड वाइंडिंग, जिसका रेसिस्टेंस दिया हुआ है 130 ओम। शंट करंट की वैल्यू नहीं दिया हुआ है, तो इसे हम फाइंड आउट करेंगे। यहाँ आर्मेचर रेसिस्टेंस गिवन है आर ए इज इक्वल टू 0.1 ओम और ब्रश कॉन्टैक्ट ड्रॉप गिवन है 1 वोल्ट पर ब्रश। ओके, यहाँ पे दो ब्रश हम शो करते हैं, यानी कि टोटल ब्रश कॉन्टैक्ट ड्रॉप होगा 2 वोल्ट, यानी कि 1 इंटू दो ब्रश है तो 2, यानी कि 2 वोल्ट। ओके, ये होगा टोटल ब्रश कॉन्टैक्ट ड्रॉप। क्वेश्चन में इतना डाटा गिवन था और फाइंड आउट करना है हमें ईजी इज इक्वल टू व्हाट, यानी कि जनरेटेड ईएमएफ कितना होगा इन दिस केस। सो वी नो ईजी इज इक्वल टू वी प्लस आई एल आर एस ई, यानी कि दिस वी टर्मिनल वोल्टेज प्लस आई एल एंड सीरीज फील्ड रेसिस्टेंस का ड्रॉप प्लस आर्मेचर रेसिस्टेंस में ड्रॉप, वो कितना होगा आई ए इंटू आर ए, तो प्लस आई ए इंटू आर ए प्लस ब्रश कॉन्टैक्ट के कारण होने वाले ड्रॉप्स विच इज 1 वोल्ट पर ब्रश, यानी कि 2 वोल्ट। हमें इजी फाइंड आउट करने के लिए वी गिवेन है, आई एल गिवेन है, आर एस ई गिवेन है, आर ए गिवेन है, बी सी डी गिवेन है, बट आई ए इज नॉट गिवेन। आर्मेचर करंट हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो यहाँ से इस डायग्राम से हम देखते हैं आई ए कितना होगा, आई ए इज इक्वल टू शंट फील्ड करंट प्लस लोड करंट। ओके, आई ए इज इक्वल टू आई एल प्लस आई एस एच। यहाँ पर फिर आई एल गिवेन है 100 एम्पीयर, बट आई एस एच इज नॉट गिवेन। तो सबसे पहले इसको फाइंड आउट करेंगे। इसके लिए फिगर में देखते हैं, दिस इज आई एस एच, यहाँ का वोल्टेज, यानी कि अगर हम इसको कहें वी एस एच शंट फील्ड के अक्रॉस का वोल्टेज, तो वो कितना होगा 250 वोल्ट प्लस आई एल आर एस ई, इट मीन्स 250 प्लस 100 इंटू 0.1, यानी कि ये हो जाएगा 260 वोल्ट। 260 वोल्ट क्या मिला हमें, वी एस एच शंट फील्ड के क्रॉस का वोल्टेज, और हमें रेसिस्टेंस गिवन है शंट फील्ड का, दैट इज 130 ओम। तो यहाँ से हम फाइंड आउट कर सकते हैं शंट फील्ड का करंट आई एस एच इज इक्वल टू 260 डिवाइडेड बाय 130, यानी कि 2 एम्पीयर। अब हम फाइंड आउट करते हैं आर्मेचर करंट आई ए कितना होगा।
आई ए इज इक्वल टू आई एल यानी कि 100 एम्पियर प्लस आई एस एस यानी कि 2 एम्पियर. इट मीन्स आई ए विल बी इक्वल टू 102 एम्पियर, 102 एम्पियर का करंट होगा आर्मेचर करंट. तो फाइनली अब हम कैलकुलेट कर सकते हैं जनरेटेड ईएमएफ यानी कि ईजी इज इक्वल टू वी यानी कि 250 वोल्ट प्लस आई एल आर एस ई यानी कि 100 मल्टीप्लीकेशन विथ 0.1 प्लस आई ए आर ए यानी कि 102 मल्टीप्लाई विथ 0.1 प्लस ब्रश कॉन्टैक्ट ड्रॉप यानी कि 2 वोल्ट. तो यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 272.2 वोल्ट. तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन डी इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 38 देखिए. ये कहता है कि टॉर्क वर्सेस आर्मेचर करंट ग्राफ ऑफ ए डीसी सीरीज मोटर इज अ विच ऑफ द फॉलोइंग. एज वी नो कि टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स इनटू आर्मेचर करंट एंड इन केस ऑफ डीसी सीरीज मोटर फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर्मेचर करंट. सो वी कैन से दैट कि टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई ए स्क्वायर इन केस ऑफ डीसी सीरीज मोटर. इस रिलेशन को देखने से ये पता चलता है दिस रिप्रेजेंट्स अ पैराबोला बट एट ओवरलोड कंडीशन आर्मेचर करंट विल बी वेरी वेरी हाई. चूंकि यही आर्मेचर करंट फील्ड वाइंडिंग सीरीज फील्ड वाइंडिंग से पास होता है तो इट विल सैचुरेट द पोल. सो एट ओवरलोड कंडीशन फ्लक्स विल बिकम कॉन्स्टेंट. इसलिए हम कह सकते हैं कि टॉर्क विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट ओनली यानी कि दिस रिप्रेजेंट्स स्ट्रेट लाइन. तो कंक्लूड करते हैं इन सबको कि डीसी सीरीज मोटर में टॉर्क वर्सेस आर्मेचर करंट का ग्राफ जब हम ड्रॉ करते हैं तो नो लोड कंडीशन से रेटेड लोड तक जो हमें ग्राफ मिलता है वो होता है पैराबोला यानी कि लाइक दिस. एंड आफ्टर रेटेड कंडीशन यानी कि एट ओवरलोड कंडीशन वी गेट स्ट्रेट लाइन. ओके सो दिस विल बी टॉर्क वर्सेस आर्मेचर करंट ऑफ डीसी सीरीज मोटर. तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा. ऑप्शन बी में कहता है कि पैराबोला अप टू फुल लोड एंड अ स्ट्रेट लाइन एट ओवरलोड. ओके ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 39. ये कहता है कि एज द लोड इज इंक्रीज्ड द स्पीड ऑफ अ डीसी शंट मोटर इज व्हाट. यानी कि शंट मोटर में लोड को बढ़ाने से स्पीड पे क्या फर्क पड़ेगा वो हमें बताना है. तो डीसी शंट मोटर में बैक ईएमएफ ईबी इज इक्वल टू वी माइनस आई ए आर ए और बैक ईएमएफ स्पीड और फ्लक्स का रिलेशन कुछ इस तरह से होता है. ईबी इज इक्वल टू ए कांस्टेंट के एन इंटू फाई इंटू एन. अब यदि इस मोटर पर लोड को हम बढ़ाएंगे इसका मतलब है कि मोटर ज़्यादा करंट ड्रॉ करेगा यानी कि आई ए विल बी हाई. जब आई ए की वैल्यू ज़्यादा होगी तो वी माइनस आई ए आर ए यानी कि बैक ईएमएफ विल बी लेस. लोड बढ़ाने से बैक ईएमएफ की वैल्यू कम हो गई. चूंकि शंट मोटर में फ्लक्स कांस्टेंट रहेगा इसलिए के एन फाई इज कांस्टेंट तो बैक ईएमएफ के घटने से स्पीड घट जाएगी. इसलिए हम कह सकते हैं कि शंट मोटर में यदि हम लोड को बढ़ाएंगे तो स्पीड स्लाइटली डाउन हो जाएगी. तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा. ऑप्शन ए यानी कि रिड्यूसेस स्लाइटली. ऑप्शन ए इज करेक्ट. यदि यह मोटर सेपरेटली एक्साइटेड होता तो भी आर्मेचर करंट के बढ़ने से यानी कि लोड के बढ़ने से आर्मेचर करंट बढ़ता और फिर बैक ईएमएफ कम होता. चूंकि फ्लक्स कांस्टेंट होता है इन केस ऑफ सेपरेटली एक्साइटेड मशीन तो यहाँ भी बैक ईएमएफ के कम होने से स्पीड
थोड़ी सी कम हो जाती, ओके, सेम आंसर होता रिड्यूसेस स्लाइटली इन केस ऑफ सेपरेटली एक्साइटेड मोटर, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करिए, क्वेश्चन नंबर 40। यह कहता है कि टू डीसी सीरीज मोटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, ड्रॉ करंट आई फ्रॉम द सप्लाई एंड रन्स एट स्पीड एन। व्हेन द सेम टू मोटर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल टेकिंग करंट आई फ्रॉम द सप्लाई, द स्पीड ऑफ ईच मोटर विल बी व्हाट। इस तरह का क्वेश्चन हम लोग पिछले लेक्चर में भी कर चुके हैं, लेकिन उसमें पूछा था कि टॉर्क पे क्या फर्क पड़ेगा। यहाँ पे इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि स्पीड पे क्या फर्क पड़ेगा। तो यहाँ देखिए, दिस इज अ सीरीज मोटर, और ऐसे ही दो आइडेंटिकल सीरीज मोटर को हमने फर्स्ट केस में सीरीज में कनेक्ट किए हैं, दैट इज सीरीज कनेक्शन, और सेकेंड केस में हम इस सीरीज मोटर को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। तो फर्स्ट केस में देखिए कि दोनों मोटर यानी कि मोटर वन एंड मोटर टू बोथ आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड कनेक्टेड फ्रॉम द सप्लाई, सपोज सप्लाई वोल्टेज इज वी। क्वेश्चन में कहता है कि ये जो करंट ड्रॉ करता है दैट इज आई, इसका मतलब सेम करंट मोटर वन से भी पास होता है और यही आई करंट मोटर टू से भी पास होगा, यानी कि दिस इज ऑल्सो आई करंट। अब हम कुछ पॉइंट को यहाँ पे नोट करते हैं रिगार्डिंग सीरीज कनेक्शन। दोनों मोटर में से किसी एक मोटर को हम सेलेक्ट करते हैं और उसके बारे में नोट करते हैं। सपोज हमने मोटर वन को चूज किया, तो मोटर वन का बैक ईएमएफ कितना होगा। यहाँ पे वोल्टेज एक मोटर के लिए होगा वी बाय टू, क्योंकि टोटल सप्लाई वोल्टेज इज वी, और दो आइडेंटिकल मोटर कनेक्टेड हैं सीरीज में, तो एक के लिए वोल्टेज होगा वी बाय टू एन माइनस करंट इनटू रेजिस्टेंस। तो करंट कितना फ्लो कर रहा है, आई, और मान लेते हैं कि रेजिस्टेंस इज आर। तो दिस विल बी द बैक ईएमएफ ऑफ वन मोटर। अब हम करंट के बारे में देखते हैं। करंट आई इज ड्रॉन फ्रॉम द सप्लाई, यह आई करंट सीरीज मोटर के फील्ड वाइंडिंग से भी गुजरता है, इसलिए फील्ड करंट विल बी आई, एंड सो फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस करंट आई। नाउ स्पीड के बारे में जो इन्फॉर्मेशन गिवन है कि स्पीड इज एन। एज वी नो स्पीड एन इज इक्वल टू बैक ईएमएफ ईबी अपॉन वन प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के एन इनटू फाई। यहाँ पे हम फाई की जगह पे कुछ कांस्टेंट के इनटू आई भी लिख सकते हैं, क्योंकि फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस करंट आई, और यही सप्लाई करंट है। नाउ अब हम देखते हैं सेकेंड केस में क्या कहता है। इस केस में हम दोनों सीरीज मोटर को पैरेलल में कनेक्ट किए हैं और सेम सप्लाई वोल्टेज यानी कि वी से इस कॉम्बिनेशन को कनेक्ट किए हैं, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आई करंट विल ड्रॉ फ्रॉम द सप्लाई। तो अगर यहाँ पे आई करंट है और दोनों मशीन आइडेंटिकल है, यहाँ पे करंट हो जाएगा आई बाय टू और इसमें भी आई बाय टू करंट फ्लो करेगा। अब इस कनेक्शन के बारे में भी कुछ इन्फॉर्मेशन हम नोट कर लेते हैं, जैसे कि समथिंग अबाउट बैक ईएमएफ ऑफ एनी मशीन इधर वन और टू। चूंकि ये सेकेंड केस है इसलिए हम ई बी टू लिख रहे हैं। ई बी टू विल बी इक्वल टू वी माइनस जो करंट उसमें फ्लो करता है आई बाय टू इंटू रेजिस्टेंस। यदि हम फर्स्ट केस वाले बैक ईएमएफ को देखें यहाँ पर, तो दिस इज ई बी इज इक्वल टू वी बाय टू माइनस आई इंटू आर, और सेकेंड केस में बैक ईएमएफ है v माइनस आई बाई टू इंटू आर। दिस ई बी टू इज टू टाइम्स ऑफ ई बी वन। अब करंट के बारे में देखते हैं कि किसी भी एक मोटर में कितना करंट फ्लो करेगा। दिस करंट विल बी आई बाई टू, यानी कि इसके फील्ड वाइंडिंग से आई बाई टू करंट फ्लो करेगा। सो आई एफ इज इक्वल टू आई बाई टू, और यहाँ से हम कह सकते हैं सेकेंड केस में जो फ्लक्स होगा दैट विल बी फाइ बाय टू, क्योंकि इस केस में करंट हाफ हो चुका है।
अभी तक की इन्फॉर्मेशंस को अगर हम कंक्लूड करें तो हमें दो पॉइंट मिला। फर्स्ट वन इज़ कि बैक ईएमएफ इन सेकंड केस विल बी टू टाइम्स ऑफ फर्स्ट केस, और सेकंड पॉइंट हमें मिला कि सेकंड केस में जो फ्लक्स होगा वो फर्स्ट केस का हाफ होगा। तो ये दोनों पॉइंट हमें यहाँ से मिलता है। तो अब देखते हैं कि स्पीड पे क्या फ़र्क पड़ेगा। स्पीड सेकेंड केस का यानी कि n2 विल बी इक्वल टू eb2 डिवाइडेड बाय kn n phi2, सेकेंड केस का फ्लक्स यानी कि दिस विल बी इक्वल टू eb2 इज टू टाइम्स ऑफ eb1 डिवाइडेड बाय कांस्टेंट kn इनटू phi2 मींस phi बाय 2। इसका मतलब दिस विल बी इक्वल टू फोर टाइम्स ऑफ ई बी वन डिवाइडेड बाय के एन फाई। एज वी नो ई बी वन अपॉन के एन फाई फर्स्ट केस का स्पीड एन है, सो इन सेकेंड केस स्पीड एन टू विल बी फोर टाइम्स ऑफ एन। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 41। ये कहता है कि द रेटेड स्पीड ऑफ अ गिवन डीसी शंट मोटर इज 1050 आरपीएम, यानी कि स्पीड रेटेड एन रेटेड इज 1050 आरपीएम। नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि टू रन दिस मशीन एट 1200 आरपीएम द फॉलोइंग स्पीड कंट्रोल स्कीम विल बी यूज्ड। इसको 1200 आरपीएम पे रन कराने के लिए कौन सा स्पीड कंट्रोल मेथड हम यूज करेंगे। इट मींस वी वांट स्पीड कंट्रोल अबव द रेटेड स्पीड। इसके लिए जो मेथड हम यूज करते हैं वो है फील्ड वीकनिंग स्पीड कंट्रोल। एज वी नो स्पीड एन इज इक्वल टू ई बी अपॉन के एन इंटू फाइव। यदि हम फ्लक्स को कम कर दें यानी कि फील्ड को वीक कर दें तो इसकी स्पीड बढ़ जाएगी, और इस केस में यही तो हुआ है। पहले रेटेड स्पीड था यानी कि 1050 आरपीएम और किया गया है 1200 आरपीएम। इस स्पीड को बढ़ाने के लिए हमें फ्लक्स को कम करने की ज़रूरत पड़ी होगी, तो इसको कहते हैं फील्ड वीकनिंग स्पीड कंट्रोल, या फिर इसका और भी नाम है फील्ड रेसिस्टेंस कंट्रोल। इसका क्या मतलब है, फील्ड के रेसिस्टेंस को यदि हम इंक्रीज करते हैं तो फील्ड करंट की वैल्यू कम हो जाएगी, और जब फील्ड करंट की वैल्यू कम होगी तो फ्लक्स की वैल्यू कम होगी और इससे स्पीड बढ़ जाएगी। ओके, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, फील्ड रेसिस्टेंस कंट्रोल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 42। 150 वोल्ट डीसी मोटर ऑफ आर्मेचर रेसिस्टेंस ऑफ 0.4 ओम बैक ईएमएफ ऑफ 142 वोल्ट आर्मेचर करंट इज व्हाट। इसमें टाइप ऑफ डीसी मोटर इज नॉट मेंशनड, ये किस तरह का है, शंट मोटर है, सीरीज मोटर है, कंपाउंड मोटर है, सेपरेटली एक्साइटेड है, ये किस तरह का मोटर है ये गिवन नहीं है। तो हम बाय डिफ़ॉल्ट यूज़ करेंगे या तो सेपरेटली एक्साइटेड या फिर शंट मोटर। तो यहाँ पे मैंने शो किया है आर्मेचर ऑफ अ मोटर इधर शंट मोटर और सेपरेटली एक्साइटेड मोटर। इसके केस में जो गिवन है वो है 150 वोल्ट सप्लाई वोल्टेज, बैक ईएमएफ ईबी इज इक्वल टू 142 वोल्ट, और आर्मेचर रेसिस्टेंस आरए जो गिवन है दैट इज 0.4 ओम। यहाँ से हमें पूछा है कि आर्मेचर करंट की क्या वैल्यू होगी यानी कि आईए इज इक्वल टू व्हाट। तो आईए इज इक्वल टू वी माइनस बैक ईएमएफ ईबी डिवाइडेड बाय आर्मेचर रेसिस्टेंस आरए विल बी इक्वल टू 150 माइनस 142 डिवाइडेड विथ 0.4 ओम, यानी ये हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाय 0.4
यानी कि 20 एम्पियर। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 43। ये कहता है कि कॉमुटेशन कंडीशंस एट फुल लोड फॉर अ लार्ज डीसी मशीन कैन बी एफिशिएंटली चेक्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट। आई थिंक सेम क्वेश्चन पहले भी हो चुका है कॉमुटेशन कंडीशन को चेक करने के लिए, या फिर टेम्परेचर राइज को चेक करने के लिए यूज करते हैं हम हॉपकिंसन टेस्ट। इसका एक और भी नाम है रीजनरेटिव टेस्ट। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 44। ये कहता है कि इंड्यूस ईएमएफ इन अ डीसी शंट जनरेटर इज 230 वोल्ट, यानी कि गिवन है ईजी की वैल्यू 230 वोल्ट। नेक्स्ट, द आर्मेचर रेजिस्टेंस इज 0.1 ओम, यानी कि आर ए विल बी इक्वल टू 0.1 ओम। इफ द आर्मेचर करंट इज 200 एम्पियर, यानी आई ए इज इक्वल टू 200 एम्पियर, 200 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, तो पूछता है कि टर्मिनल वोल्टेज विल बी व्हाट। तो वी इज इक्वल टू ईजी माइनस आई ए आर ए। यदि ब्रश कॉन्टैक्ट का ड्रॉप भी गिवन होता, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ब्रशेस दिया होता, तो उसे भी हम माइनस करते, यानी कि माइनस होता बी सी डी ब्रश कॉन्टैक्ट ड्रॉप, लेकिन ये गिवन नहीं है, दैट इज नेग्लिजिबल। सो फ्रॉम हियर वी कैन राइट इट एज 230 माइनस 200 मल्टीप्लाई विथ 0.1, यानी ये हो जाएगा 230 माइनस 20, इट विल बी इक्वल टू 210 वोल्ट। यही होगा इस शंट जनरेटर का टर्मिनल वोल्टेज, यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 45। ये कहता है कि द कॉमुटेटर ऑफ अ डीसी जनरेटर एक्ट्स एज। पिछले लेक्चर में डीसी जनरेटर और डीसी मोटर, पिछले लेक्चर में हमने पूरे डिटेल में देखा कि इन केस ऑफ डीसी जनरेटर एंड इन केस ऑफ डीसी मोटर कॉमुटेटर हमारा किस तरह से वर्क करता है, किस तरह से एक्ट करता है, ये हम देख चुके हैं। इसलिए यहाँ पे डायरेक्ट आंसर मार्क करेंगे, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, दैट इज रेक्टिफायर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 46। ये कहता है कि फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल इज एप्लीकेबल टू विच ऑफ द फॉलोइंग। लेफ्ट हैंड रूल हम कहाँ लगाते हैं? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल हम लगाते हैं इन केस ऑफ मोटर। ऑप्शन बी इज करेक्ट। यहाँ हम समझते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल को, कि ये क्या कहता है। इसके लिए हम तीन फिंगर यूज करते हैं, एक होता है थंब, और थंब फिंगर रिप्रेजेंट करता है टॉर्क या रोटेशन को, दिस इज थंब। यह फिंगर है फोर फिंगर, ये रिप्रेजेंट करता है फ्लक्स के डायरेक्शन को, और यहाँ हम रखते हैं मिडल फिंगर, ये रिप्रेजेंट करता है करंट के डायरेक्शन को। चाहे फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल हो या राइट हैंड रूल हो, दोनों के केस में थंब रिप्रेजेंट करेगा रोटेशन ऑफ रोटर या टॉर्क डेवलप्ड इन द रोटर, फोर फिंगर रिप्रेजेंट करेगा फ्लक्स के डायरेक्शन को, और मिडिल फिंगर रिप्रेजेंट करेगा करंट के डायरेक्शन को। ये दोनों केस में होगा, लेफ्ट हैंड रूल में भी होगा और फ्लेमिंग्स के राइट हैंड रूल में भी होगा। बट इन केस ऑफ लेफ्ट हैंड रूल, फ्लक्स और करंट का डायरेक्शन नोन होता है, और हमें फाइंड करना होता है डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ रोटर या फिर टॉर्क डेवलप्ड इन द रोटर, यानी कि ये क्वांटिटी अनोन होती है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के केस में। ओके, तो बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रीड करिए क्वेश्चन नंबर 47 को। ये कहता है कि फोर पोल लैप ऑन डीसी जनरेटर हैज द फॉलोइंग डिटेल्स। फ्लक्स
दिया हुआ है 0.07 वेबर पर पोल, स्पीड गिवन है 900 आरपीएम, आर्मेचर कंडक्टर गिवन है 440 और ये पूछता है कि जनरेटेड ईएमएफ कितना होगा। ये है गिवन डेटा जिसमें कि नंबर ऑफ कंडक्टर्स जेड इज इक्वल टू 440, स्पीड इन आरपीएम इज 900, फ्लक्स पर पोल फाई इज इक्वल टू 0.07 वेबर एंड नंबर ऑफ पोल्स इज 4। इसके साथ एक और इन्फॉर्मेशन जो गिवन था वो है जनरेटर वाइंडिंग इज लैप वुंड। ओके, इन दिस केस एज वी नो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स ए विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ पोल्स, यानी कि नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स यहाँ होगा 4। फिर कैलकुलेट करते हैं हम जनरेटेड ईएमएफ, यानी कि ईजी विल बी इक्वल टू 5ZNP/60A। यहाँ पे सारे वैल्यूज को आप पुट करिए, 0.07 मल्टीप्लाई विथ जेड यानी कि 440 मल्टीप्लाई विथ एन यानी कि 900 मल्टीप्लाई विथ नंबर ऑफ पोल्स यानी कि 4 डिवाइडेड विथ 60 इनटू नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स यानी कि 4। जब आप इसको सॉल्व करिएगा तो आपको आंसर मिलेगा 462 वोल्ट। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन सी इज करेक्ट, 462 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 48। ये कहता है कि द डीसी मोटर हैविंग द हाईएस्ट स्टार्टिंग टॉर्क इज विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से किसका स्टार्टिंग टॉर्क हाई होता है। तो जैसा कि पिछले लेक्चर में देखा है हमने कि स्टार्टिंग टॉर्क हाई होता है इन केस ऑफ सीरीज मोटर, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 49। ये कहता है कि द नॉर्मल वैल्यू ऑफ द आर्मेचर रेसिस्टेंस ऑफ अ डीसी मोटर इज इक्वल टू व्हाट। तो डीसी मोटर हो या जनरेटर के केस में नॉर्मल वैल्यू जो होती है आर्मेचर रेसिस्टेंस की, दैट इज 0.5 ओम। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 50 एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर। ये कहता है कि मोटर अप्लाइड इन ब्लोअर्स एंड फैंस इज व्हाट। तो ब्लोअर्स और फैंस में हम किस तरह का मोटर यूज करते हैं? डीसी शंट मोटर, क्योंकि डीसी शंट मोटर की स्पीड ऑलमोस्ट कांस्टेंट होती है। ब्लोअर्स और फैंस के अलावे इसके और भी एप्लीकेशन हैं डीसी शंट मोटर के, वो हैं लेथ मशीन और कन्वेयर्स। ओके फ्रेंड्स, तो आज की क्लास में बस इतना ही। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए। यदि अच्छा नहीं लगे तो आप कमेंट में यह ज़रूर बताएं कि इस वीडियो में किस तरह की कमी रह गई, ताकि मैं आपको और भी अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर सकूं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।